शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटा, ट्रेन गाड़ी से तेजी चलती है। और साइकिल? वो कभी-कभी तेज चलती है। तुम्हारा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसे पीछे रखो ना। अरे टूट ना जाएगा। याद नहीं वो शीशे का वाज़ा जो मिसेज राय ने दिया था हमारी एनिवर्सरी पे? तब से सोच रहे हैं किसको दें कि वापस ना आ जाए। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम भी आए हो? सुनिए, ये राजेश्वरी दीदी और ये सुरेंद्र भैया। हेलो। और दीदी ये जानते हैं, मोहन है। बहुत किस्मत वाले हो मोहन कि हमारी सरिता मिली तुम्हें, वरना मोहल्ले के हर लड़के को मिलके भी नहीं मिली। मतलब हर लड़के को मिलते ही नापसंद कर दिया इसने। लेते हैं। देखिए, आप सरिता के उस तरफ जाइए, हम मोहन के इस तरफ आ जाते हैं। तुम्हारी फोटो नहीं आएगी यहाँ से, आप इसे गोद में ले लीजिए। अरे एक मिनट, तुम भी नहीं आओगी? हाँ, आप थोड़ा सा लेफ्ट आ जाइए प्लीज। ओके, रेडी? ओके, स्माइल। थैंक यू। मिसेस चावला की शादी याद है ना? अच्छा है। हाँ। ये फोर्थ है ना? नहीं मम्मा, ये आइसक्रीम है। बहुत तेज है। वैसे राजेश्वरी, आइसक्रीम देखकर तो मुझसे भी नहीं रहा जाता। सो तो है, पर देखो ना, आइसक्रीम भी रखी तो वनीला, बटरस्कॉच, केसर पिस्ता, महंगी है ना? हाँ। वैसे सुना है शादी में खर्च तो बहुत किया है। अब गधे के पास पैसे आ जाएं तो वो घोड़ा थोड़ी बन जाता है, टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। संभल के राजेश्वरी। पर दूल्हा तो अच्छा ढूंढ रहा है। हाय, सच कहे तो हमें बिल्कुल नहीं जचा। क्यों, क्या खराबी लगी? देखो, दुनिया में कुछ बुरा नहीं होता, सब अच्छा होता है। बात मैचिंग की है। अब इतनी पढ़ी लिखी लड़की और लड़का, सुना कोई डिप्लोमा किया है, पक्की डिग्री भी नहीं है। अच्छा। हाँ, अब दोनों ऐसे लगेंगे जैसे
मिसेज राय हाँ? ईस्टमैन कलर साड़ी से पर्स के बीच में कोई कलर नहीं छोड़ा मैडम ने ठाके लगाए जा रहे क्या मजाक हो रहा है तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारा वो किराएदार है ना उसके बारे में बात कर रहे थे उसको गेट आउट नहीं किया अभी तक एक तारीख को कहूंगी कमरा खाली करने के लिए अरे इतनी जल्दी तो दूसरा कमरा मिलेगा नहीं चार पांच दिन तो लगेंगे ना फिर क्या पूरे महीने का किराया इस पर्स में राजेश्वरी वो जो तूने दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दिया है उसमें क्या है साइज देख कर तो मुझे लगा कहीं फ्लावर वाज तो नहीं हाँ वही है तुम ही ने दिया था खुश सुनिए जी ये मंगलसूत्र का हुक लगा दीजिए ना शादी में भी तीन बार गिरते गिरते रह गया ढीला हो गया है कब से कह रहे हैं नया खरीद दीजिए ढीला हो गया तो टाइट करवा लो नए की क्या जरूरत है अरे फैशन बदल गया है ना तुम्हें तो हर पुरानी चीज बदलने की धुन सवार रहती है टीवी फ्रिज फोन मंगलसूत्र ऐसा नहीं है हमारे पास है एक पुरानी चीज जो हम कभी नहीं बदलेंगे क्या है वो बस कल शाम को बैंक से आते हुए पैसे निकालेंगे मंगलसूत्र के लिए कितने अच्छे हैं आप हम जो कहते हैं झट से कर देते हैं बस ऊपर वाला कमरा किराए पे नहीं चढ़वाया ये काम भी आपका हो गया मिम साहब बनारस से गजेंद्र मौसा का फोन आया था कहा कि उनके दोस्त की बेटी की नौकरी लग गई है और उन्हें वो और उसे मुफ्त में कमरा चाहिए तो भांजे की याद आ गई सस्ते में कमरा दो और ऊपर से चाय नाश्ता खाना सब हमें नहीं करनी समाज सेवा वो मिसेज राय का वो है ना कबूतर खाना वो गया है 1000 रुपए में और उसके सामने हमारा कमरा महल है महल 1200 रुपए से 98 कम नहीं लेंगे हम बस अरे किराया मिल जाएगा भाई अभी लक्ष्मी गणेश कर लेते हैं देखा लक्ष्मी मतलब पैसे पे ध्यान दो 1200 किराया आएगा तो 100 जरूरतें पूरी होंगी बच्चे बड़े हो गए हैं कंप्यूटर चाहिए और फिर निशा निशा का ब्याह भी तो करना है सच बताएं आजकल कोई भी ढंग का लड़का दिखता है ना तो हम सोचने लगते हैं कि हमारी निशा के लिए कैसा रहेगा जब वो छोटी सी थी ना तब से हम सपना देखे हैं कि बहुत धूमधाम से ब्याह करेंगे उसका ये बड़ा घर होगा ये बड़ी गाड़ी होगी और लड़का राजकुमार राजकुमार जैसा लड़का लाएंगे हम उसके लिए ऐसा कि सब देखते रह जाएंगे सॉरी वो हाँ हाँ वो तो ऊपर वाली की दया है I'm sorry. वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी नहीं वो एक्चुअली आप सड़क के बीच में आ गई इसलिए नहीं तो इसलिए क्या जान ले लोगे हमारी नहीं नहीं मैं तो बस एक्चुअली अपनी मोटरसाइकिल की इंजन पे कारीगरी की थी तो अरे देखा कैसी 80 की स्पीड पे भी फट से ब्रेक लग गई अरे कमाल कर दिया यार यार क्या ब्रेक मारी थी स्पीड का इतना ही शौक है ना तो ओलंपिक में जाओ फेंक दे अरे क्यों सड़क चलते लोगों को सताते हो सड़क हमारी है टैक्स देते हैं सरकार को और सरकारी बैंक में कैशियर है हमारे मिस्टर समझे देखिए गलती पूरी तरह से मेरी नहीं है फिर भी आप बड़ी है तो मैं माफी मांगता हूँ बात खत्म अरे जाने दो ना बहन जी छोड़ो ना माफ कर दो आपसे राय मांगी क्या हाँ और क्या है आप लोग सब टीवी का रियलिटी शो चल रहा है क्या काम वाम नहीं है चलिए चलिए जाइए चलो 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 भैया चलो और तुम चलो चलो फिर से अगर अपनी फुटपटिया दौड़ाते हुए नजर आए ना तो इंजन समेत सारे पुर्जे निकाल देंगे इसके भी और तुम्हारे भी स्पीड दिखाने चले आते हैं छोड़ो हाँ सुनिए वो चाबी
बर्फी। इधर आ, हाथ दिखाओ। कुल्फी। कुल्फी नहीं, गला झट से खराब हो जाता है ना। हाँ चलो जाओ। आप भी ना, उसे समझ नहीं है अपने भले बुरे की। उसका मन कर रहा था तो बाद में समझ जाएगा कि उसके मन की बात ना मान के हमने भला ही किया। लेकिन अगर आप ठीक है भाई, सब समझ गए। तुम्हें तो आदत है बिना बात के सबसे उलझने की। नहीं, हमसे तो उलझती रहती हो तुम। उस लड़के से भी उलझ गई तुम। कौन? वो गुंडा? हम ऐसे गुंडों से डरने वाले नहीं है। जो सही है वो सही है, बस। मम्मी, आपके लिए एक लड़का आया है। कौन लड़का? लंबा सा और गोरा सा और मसल्स वाला, और आया भी ब्रूम ब्रूम बाइक पर। क्यों भाई, गुंडा गर्दी करने आए हो? दादा समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे मुंह उठा के घर चले आओगे तो डर जाएंगे हम? हाँ चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना ऐसा डरना पड़ेगा कि दादागिरी का नाम भी भूल जाओगे अपना। राहुल सक्सेना। क्या नाम है मेरा? अगर मेरी बात पूरी होने से पहले आपने डंडा मार दिया तो आप मुझे मेरा नाम याद दिला दीजिएगा। मजाक करने आए हो हमारे साथ? नहीं, ये पर्स वापस करने। सुबह सड़क पे रह गया था, गिन लीजिए पैसे पूरे होंगे। नहीं, वो एक जरूरी कागज था, देख रहे हैं। वहाँ सड़क पे किसी ने बताया कि आप हमारे ही मोहल्ले में रहती है, तो आपका पता पूछते पूछते मैं आप। अच्छा, यहीं रहते हो? कहाँ भला? मिसेज राय के यहाँ। लेकिन तुम तो सक्सेना हो, तो मिसेज राय के रिश्तेदार कैसे हुए? नहीं, किराएदार हूँ मैं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। इंजीनियरिंग? तभी मोटरसाइकिल बनाते बिगाड़ते हो। जी नहीं, वो तो शौक है। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। जो भी हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ रहे हो ना? जी जी, फाइनल ईयर। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे क्या नाम बताया था तुमने? राहुल सक्सेना। हम भी सक्सेना है, मैं राजेश्वरी। अच्छा, और ये सुरेंद्र है मेरे पति। नमस्ते, नाइस टू मीट यू। और कौन से गांव के हो? बिरवा, जिला आजमगढ़। अच्छा, हम जौनपुर के हैं। सर ये गाड़ी बहुत अच्छी है, नाइस कार। हाँ ये तो मेरे दादाजी को। आजमगढ़ के हैं, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में। राहुल, राहुल सक्सेना। हमारी निशा और राहुल की जोड़ी खूब जमेगी ना? हाँ, तुम्हारी बहन के लिए बिल्कुल सही है, पर ये आप हर बात पे पर मत लगाया कीजिए। तुम पर लगा कर रोड़ोगी तो याद हमें ही दिलाना पड़ेगा। राहुल इंजीनियरिंग कर रहा है, आजकल के लड़कों के रेट्स पता है तुम्हें? IAS ऑफिसर 50 लाख से 1 करोड़, डॉक्टर या इंजीनियर 20 से 25 लाख। ये लोग सपने में भी शादी करने के लिए इतने पैसे लेंगे? हम तो सब लोग सिर्फ पैसा थोड़ी देखते हैं, लड़की भी देखते हैं। और फिर आपने भी तो दहेज नहीं लिया था। हमारी ना तो शक्ल है और ना ही अक्ल, वरना हम भी इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते और दहेज भी। चल, लेकिन हमने तय कर लिया है कि निशा की शादी राहुल से ही होगी। अब तुमने तय कर लिया है तो राहुल को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। क्या हाल यार? राजेश। हाय राहुल। क्या पंकज, क्या शौकत मियां, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, सब ठीक ठाक। अरे शौकत एक पाल लगा दे यार। देखो मियां, चूना लगाने का काम हमारा है आपका नहीं। पहले पैसे दो फिर पान लो, अपना रोए की वसूल है भैया। अच्छी है दोस्ती यारी, पर कभी ना करना उधारी। एक बात बोलूं शौकत मियां?
हाँ बोलिए मियाँ, बोलने का कहाँ पैसा लगता है? और जगह नहीं लगते होंगे, आपके यहाँ तो हर चीज़ के पैसे लगते हैं। क्या बात कर रहे हो? अगर मैं साबित कर दूँ कि आपके यहाँ बात करने तक के पैसे लगते हैं तो जो आप बोलो सो। ठीक है तो एक बात बताओ, सब मोबाइल पे बात करते हैं? हाँ। आप मोबाइल का रिफिल भरते हो? हाँ। उसके पैसे चार्ज करते हो? हाँ। मतलब आप बात करने के पैसे चार्ज करते हो? हाँ। यस। चलो अब अपना वादा निभाओ। क्या? बिना चार्ज के उधारी में हाँ? मेरा रिफिल भर दो आज। हाँ। कल पैसे दे जाऊंगा पक्का। दीदी मैं अभी आया। अरे अभी देते। अरे अरे दीदी दीदी। अरे तुम राहुल सक्सेना? आप यहाँ? हाँ, पहचाना तो। अच्छा कैसे हो राहुल? सब ठीक दीदी, सब ठीक। अच्छा आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक वहाँ खड़ी है। अरे अब ना कहेंगे तो तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन पैदल जाएंगे। तुम्हारा सिगरेट पानी हो गया या वापस जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पीता मैं। अरे तो पान तो खाते होगे? नहीं पान भी नहीं खाता, वो तो मैं अपना मोबाइल रिफिल करने आया था। कभी कभी यहाँ शाम को यार दोस्त इकट्ठे हो जाते, इधर उधर की बातचीत कर लेते तो मन बदल जाता है। वो भी सही है, अब सारा दिन कॉलेज में या मिसेज राय के साथ तो नहीं बिता सकते ना। तो और बताओ कैसी है तुम्हारी मिसेज राय? अच्छी है। तो क्या तुम्हें ये पता है कि कल यानी महीने की पहली तारीख को वो तुम्हें कमरा खाली करने को कहेंगे? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जाओगे? नहीं। तुम्हें ये तो पता है ना कि फौरन कोई कमरा मिलने वाला है नहीं? हाँ। तो वो ये कहेगी कि ठीक है दो चार दिन और सही, और इसमें वो तुमसे सारे महीने का किराया ऐंठ लेंगी। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मालूम होना चाहिए कि दुनिया बहुत मतलबी है। खैर तुम्हें हमारे घर का पता तो पता है ना? जी पता है। देखो तुम सक्सेना हो, हमारी बिरादरी के हो, तो जब भी वो रायन तुमसे कमरा खाली करने को कहे ना, तुम सामान उठाना और हमारे पते पे आ जाना सीधा। आपके पते पर? हाँ, समझो हमारे घर एक कमरा खाली है खास तुम्हारे लिए। और ये बात मिसेज राय को मत बताना। बहुत ही बढ़िया कमरा है, आओ ना। हाँ जी। सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं यहाँ से, और चिड़िया चहचहा के जगाती हैं, और खिड़की खोलो तो सामने हरियाली। पढ़ाई में इतना ध्यान लगेगा कि टॉप करोगे। अच्छा दीदी रेंट कितना देना होगा? देखो भैया हमें सब अच्छा लगता है, बस ये अपनों के बीच जो पैसों की बात आती है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम पराये थोड़ी हो? नहीं। अपने हो? नहीं सो तो है दीदी, लेकिन अरे रहने दो, तुम रहने दो। दीदी मैं पराया थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ ना। अच्छा ये नीचे ले। दीदी वो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी क्या है वो? क्या फिर भी? अरे आज कमरा दिया तो रेंट पूछ रहे हो, गद्दा कंबल उसके दाम ले, कल खाना खिलाएंगे तो उसके पैसे, और परसों तुम्हारा रिश्ता करवाया तो उसके दाम। नहीं दीदी रिश्ते की चिंता मत कीजिएगा आप। क्यों, रिश्ता हो गया है तुम्हारा? तो किसी के साथ लव अफेयर? अरे नहीं नहीं दीदी, बस शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक इंजीनियरिंग पास करके कोई अच्छी नौकरी ना ढूंढ लूं। चल पढ़ाई नौकरी तो उम्र भर चलती रहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी शादी ही ना करे। हाँ अरे ना दीदी, जब तक बुनियाद सही ना हो मकान मजबूत नहीं हो सकता। इंजीनियर? लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं, तुम लाख मना कर लो तुम्हारे घर वाले जरूर लड़की ढूंढ रहे होंगे तुम्हारे लिए। घर वाला है कौन हमारा दीदी, बस माँ थी जो पिछले बरस चल बसी, अब ले देके एक मामा बचे जो खुद हजार पछड़ों में पड़े रहते, राजबली मामा। इसे कहते हैं साष्टांग।
अब चलो सबके लाइन से पैर छुओ। सबके? हमने तो एक को ही छेड़ा था। अबे तेरी तो चलो पैर पकड़ो सबके। माफ कर दो। है पकड़ता है कि नहीं? अबे तू मैं मामा भांजे। अरे बच्चा मामा जी आप मेरी कॉलेज में क्या कर रहे हैं? अरे वो लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे ना, तो हमने उनको जय बजरंगबली कर दिया। हाँ लेकिन आप यहाँ आए क्यों? अरे तुम्हारे लिए लड़की पसंद करके आए हैं, अपने केदारनाथ जी है ना, उनकी बेटी जानवी मामा है। नहीं मैं उनका भांजा। जैसा नाम वैसे गुण, बहुत बढ़िया खानदान है। अरे गांधी जी के अनुयायी हैं। वैष्णव जन तो टिंग टिंग टिंग। मामा जी आप जानते हैं ना मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो भी यही कह रहे थे। कौन? श्याम सुंदर केदारनाथ जी। श्याम सुंदर केदारनाथ जी कौन मामा जी? अरे जानवी के पिताजी। जानवी के पिताजी मामा है? नहीं मैं उनका भांजा हूँ। हम वहाँ पे पंचायती इलेक्शन की सेटिंग करने के लिए गए थे तो उन पे हमारा इम्प्रेशन खराब पड़ गया। हमें गुंडा बदमाश समझने लगे। वो हमको बोले कि हम गुंडों के घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। अरे हमारा तो खून खोल उठा। तो आपने कुछ किया तो नहीं ना? क्या कुछ नहीं किया, पूरा हमने सेटिंग कर ली है। कल लड़की को अगवा कर लेंगे और तुम दोनों की शादी कर देंगे। बस यही बताने तो आए थे हम। मामा जी आप क्या करने जा रहे? मामा है ना? हाँ है। सबके होते हैं। मामा जी आप जानते हैं मुझे अभी शादी नहीं करनी, और लड़की के घर वालों को नाराज करके उसको अगवा करके आप। बस यही तो दिक्कत है ना तुम पढ़े लिखे लोगों के साथ, इतना सोचते हो कि कुछ कर नहीं पाते। अब हमें निकलना होगा, किडनैपिंग की पूरी सेटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी ना। घी भिजवा दें गाँव से? भिजवा देंगे। ठीक है। चलो गाड़ी निकालो। जी चलिए सरकार। कर दी होती तो किसी को बस स्टैंड पर भेज दिया होता। अरे माँ हम काशीराम को फोन करते, फिर फुर्सत होने पे वो आपको बताता, इतने में तो हम ही आ जाते। पर इस बार मोबाइल देके जाएंगे आपको, ताकि जब चाहे तब बात कर सके बस। और इनको कहा है इन्वर्टर खरीद लें, वो अगले हफ्ते भेज देंगे आपको। कितना ध्यान रखती हो तुम हमारा और निशा का। बेटी नहीं बेटा हो तुम। बेटा नहीं माँ, बेटी ही है। लेकिन बेटियाँ ज्यादा ध्यान रखती हैं। ये बात अगर सब समझ जाए ना तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा। निशा भी ठीक ऐसे ही बतियाती है। अच्छा पर वो है कहाँ? गई है टीचरी करने, किसानों की पत्नियों को सिखाने। उसके लिए हम एक लड़का पसंद किए हैं माँ। हमारे ऊपर वाले कमरे में रहता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, सुंदर है, और गांव में काफी जमीन जायदाद है उसकी। तो तुम ठीक समझो तो? हमें क्या ठीक लगना, तुम्हें ठीक लग गया तो ठीक। अच्छा तो फिर ठीक है, हम कल निशा को अपने साथ ले जाते हैं और बात पक्की कर देते हैं। निशा जा, ऊपर एक लड़का रहता है राहुल, पढ़ाई कर रहा होगा, उसे भी दे। Come in. आप आरती? आरती अच्छा नाम है। हाँ? मैं राहुल।
जानती हूँ, अभी अभी हमें दीदी ने बताया। अच्छा, आप राजेश्वरी दीदी की बहन है? हाँ, कर रात ही आई। सुंदर है, अब मेरा मतलब है बहुत सुंदर गाती है। सिर्फ गाती ही नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, घर संभालती है, गांव में बच्चों को पढ़ाती है और खुद भी बीए कर रही है। अच्छा। और पढ़ाई में भी टॉप, हिंदी, इतिहास, भूगोल सब में टॉप, बस अंग्रेजी में थोड़ा नहीं। वो बिना बात अंग्रेजी का हवा बना के रखा है, वरना अंग्रेजी कोई जरूरी तो नहीं। वो तो ठीक है भैया, लेकिन यहाँ तो बीए पास करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम पढ़ा सकते हो अंग्रेजी हमारे बहन को। जी मैं नहीं नहीं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम किराया नहीं ले रहे हैं तो तुम्हें पढ़ाना ही है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मैं हाँ आई, मैं आई जी। पर आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा ना पढ़ाने में? नहीं, जब मैं नहीं पढ़ रहा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि हम समझ गए। कोई बात नहीं, कोई बात तो है। पसंद आ गए क्या निशा उसे? कोई सब्जी तरकारी है हमारी बहन के हाथ के हाथ देखा और मोल कर लिया। अरे समय लगेगा बात बढ़ने में। समय? दिन या महीने क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई हर महीने 1200 रुपए का नुकसान, 2 महीने हो गए तो पूरे 2400 और 3 महीने हो गए तो पूरे 3600। 12 का पहाड़ा हमें भी आता है। मेरा वो पेन, वो वहाँ, वो अभी लक्ष्मी गणेश करके सब बातें क्लियर कर लेते हैं। गणेश जी। मतलब? मतलब लक्ष्मी पे ध्यान दो कम, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत हो चुकी है। क्या पढ़ाना है उसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है। अरे दीदी लाइए, मैं रख देता हूँ। लगा? हाँ। ये किधर? मैं इधर रख देता। अरे सॉरी, इधर बैठ जाओ। शुरू करो जी। तो कितनी अंग्रेजी आती है ये जानना जरूरी है। तो व्हाट इज योर नेम? निशा, बताया तो था जी। व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? अरे बहुत भुलक्कड़ हो तुम, बताया नहीं था? हिंदी, इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी, बोल ना। नहीं, मैं इनसे अंग्रेजी बुलवा के जानना चाहता हूँ कि इन्हें कितनी आती है। सो अच्छा ऐसे? नहीं बोल तो ये फटाफट लेती है, तुम पूछो जो पूछना है। तो ठीक है, अब जो मैं बोलता हूँ उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर। शेक्सपियर महान लेखक था जी। बोल ना। ओके, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। बोल। बर्ड्स आर फ्लाइंग। चिड़िया उड़ रही है। क्लाउड्स आर कमिंग। बादल आ रहे हैं। आई एम गोइंग। मैं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं दीदी बैठिए ना प्लीज, प्लीज। नहीं नहीं, हमें सचमुच जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। मैं व्हाट इज योर नेम? पसर गए और देखे जा रहे हो, दिमाग लगता है उसमें, शांति चाहिए होती है। चिल्ला चिल्ला कर तुमने पूरा आसमान सर पे चढ़ा रखा है। हमसे ज्यादा तो आप चिल्ला रही है मौसी।
बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण है ना। जब सूर्य दिखाई नहीं दे तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं है ना, और जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे तो उसे। जाओ राहुल भैया से पढ़ लो, वो मासी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। मैं छूट गया। सबसे बढ़िया पार्ट तो तुम सिखाती हो, तुम क्यों नहीं सिखा देती? आप भी कुछ भी कहते हैं, राहुल समझाएगा ना वैज्ञानिक तरीके से। अच्छा ये बताओ, सारे यूनिवर्स का सेंटर यानी केंद्र कौन? सूरज। वेरी गुड। अब मान लो कि मैं सूरज हूँ तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूरज के राउंड राउंड घूमती है। करेक्ट। तो अब मान लो कि तुम्हारी निशा मासी, मान लो निशा, मान लो कि तुम्हारी निशा मासी जो है वो पृथ्वी है, तो अब इन्हें बताओ कि इन्हें क्या करना चाहिए। निशा मासी घूमो ना सूरज के राउंड एंड राउंड। आप घूमेंगी तो श्लोक को समझने में आसान हो जाएगा। तो श्लोक याद रखना, पृथ्वी हमेशा ऐसे घूमती है। कभी नहीं। तो हम अपने होमवर्क में क्या लिखेंगे? कुछ भी। हाँ वो होमवर्क। अच्छा तो बताओ पृथ्वी के गोल गोल कौन घूमता है? चांद। करेक्ट। तो अब मम्मी बन गई चांद, तो अब सब घूमो राउंड एंड राउंड। हाँ तो ऐसे घूमते घूमते चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। पृथ्वी को सूरज दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कि सूरज पृथ्वी से बहुत दूर चला गया। पृथ्वी घबरा जाती है, उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। वो समय जब सूरज गायब हो जाता है सूर्य ग्रहण कहलाता है, लेकिन सूरज कहीं नहीं गया होता। वो इंतजार कर रहा होता है कि कब चंद्रमा हटे और वो अपनी प्यार की रोशनी पृथ्वी पर डाल सके, और पृथ्वी अपने सूरज को देख के फिर से मुस्कुरा उठे। जी वो होमवर्क वो कर लो होमवर्क। चलो श्लोक। सूरज और पृथ्वी के बीच से नहीं, चाहे हाथों में ये चूड़ी वाले हाथ, फिर से चाहे कोई कर ले पहरों से बात, फिर से चाहे रातों में ये रातों के एहसास।
पास फिर से चाहे हो तो पे ये होंठों की सौगात फिर से चाहे बाहों में हो कोई सारी रात फिर से चाहे महकी हुई कोई मुलाकात कोई मुलाकात फिर से ख्वाहिश बार बार करने लगा है फिर लबों से जिक्र यार करने लगा है फिर से मांगता है ये चाहत किसी की हो फिर तमन्नाएं हजार करने लगा है फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है फिर किसी का इंतजार करने लगा है फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के हो फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है ये दिल पढ़ते सो गए या सोते सोते पढ़ रहे हो? कब आंख लगी पता नहीं लगा, बहुत सुंदर सपना देख रहा था। सुंदर क्या होता है हम दिखाते हैं तुम्हें, आओ। सुनो सना, गिर जाओगे, बैठ जाओ। लग रही है ना चौधरी का चांद, आज इसे देखकर मना कर पाएगा कोई लड़का शादी के लिए? निशा जी को देख के कभी भी कोई भी लड़का मना नहीं कर पाएगा। हमें भी यही विश्वास है। अरे सुनो जी, राशन आएगा ना तो उसे भीतर रखवा लेना जी। हम निशा को डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ क्यों? निशा जी तो ठीक लग रही थी, बल्कि बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए तो ले जा रहे हैं रिश्ते की बात करने। अच्छा ये MD बड़ा होता है या MBBS? MD। हाँ, लड़का उसी की पढ़ाई कर रहा है। राहुल से रिश्ता कराना चाहती है तो ऐसा क्यों कहा कि डॉक्टर से रिश्ता कराने जा रहे हैं? घी निकालना हो तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, और ये सत्य वही समझ पाता है जो रसोई चलाता है। और एक सत्य ये भी है कि आदमी औरत के दिमाग को नहीं समझ सकता। अगर राहुल अंकल भी आ जाते तो कितना मजा आता है ना मौसी? राहुल भैया नहीं आएंगे तो और भी मजा आएगा। क्या मतलब जीजा जी? मतलब ये कि राहुल अगर सैर सपाटा नहीं करेगा, इंजीनियरिंग में टॉप करेगा तो और भी मजा आएगा, है ना? तुम्हें राहुल कैसा लगता है निशा? जैसा आपको लगता है दीदी। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो तुम्हें भी? मेनकॉस आया नहीं अभी तक, और मीठा भी।
अरे आगे आप लोग लेट हो गए ना। अरे आइए निशा सना श्लोक सब कपड़े बदलो चलो जाओ चलो चलो चलो। ओहो कितनी गर्मी है बाबा। दीदी अरे राहुल राशन आ गया। जी दीदी वो आ गया। वो अच्छा कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। नहीं दीदी वो पढ़ाई में। वो दीदी क्या हुआ। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। हमारी गाड़ी चलती कम है पंक्चर ज्यादा होती है इसलिए देर हो गई। जरा एक गिलास पानी पिला दो भैया गला सूख रहा है हमारा। जी दीदी मैं। दीदी किताब तुम्हारे कमरे में रह गई। दीदी क्या कहा डॉक्टर ने। ऑपरेशन सक्सेसफुल। जी अरे यही कहते हैं ना डॉक्टर लोग जब बात बन जाती है तो निशा और डॉक्टर साहब की जोड़ी बन गई। मतलब उसने हाँ कह दी झट से बिल्कुल जैसे तुमने जाने से पहले कहा था ना वैसे ही। सच कहे तो हमारा मन तो था कि निशा की शादी तुमसे हो जाए लेकिन वो डॉक्टर तुमसे ज्यादा समझदार निकला। वो कैसे। उसने नहीं कहा पहले पढ़ाई फिर शादी। उसने कहा दीदी इम्तिहान में फेल हो गया तो दोबारा बैठ सकता हूँ लेकिन इतनी सुंदर लड़की अगर हाथ से निकल गई चूड़ी लूज है। अच्छा सना और श्लोक की किताब में जरा उनको। दीदी मैं सोच रहा था। सोच रहे थे क्यों सोचते रहो वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग ज्यादा है सोचने के लिए। दीदी मेरी माँ कहती थी जब समंदर के दोनों ओर से पुल बनाना शुरू करो तो पहले तय कर लेना चाहिए कि एक पॉइंट पे आके दोनों छोर जरूर मिलेंगे वरना पुल बेकार। तुम्हारी माँ भी इंजीनियर थी। हाँ नहीं ना, ना नहीं मतलब मेरी माँ ये भी कहती थी कि जिन बड़ों की आप इज्जत करो उनकी बात हमेशा मानो। और मैं तो सबसे ज़्यादा इज्जत आपकी करता हूँ दीदी सो मैं निशा जी से शादी करने को तैयार हूँ। सच। बिल्कुल सच दीदी। मगर उस डॉक्टर का। हाँ डॉक्टर डॉक्टर का इलाज है हमारे पास। तो दीदी बात पक्की फिर। पक्की। जिस दिन मेरा ब्याह होएगा मत पूछो क्या क्या होएगा जिस दिन मेरा
जिस दिन मेरा ब्याह होएगा मत पूछो क्या क्या होएगा, जिस दिन मेरा ब्याह होएगा मत पूछो क्या क्या होएगा। दिल को ले झूम जा दो इन गलियों में घूम, खुशियां आके गले पड़ी रहूं मैं सहरा पाऊं, हर जगह चर्चा होएगा हर जगह चर्चा होएगा, जिस दिन मेरा तैयारियां शुरू कर दी हमने जी। हाँ हाँ, राहुल भी लगाया जोर शोर से तैयारियों में। हाँ बस कुछ दिन बाद का मुहूर्त निकला है माँ। अच्छा माँ, निशा से कहना हमने ना उसके पसंद के रंग का शादी का जोड़ा खरीद लिया है। हाँ चिंता ना करें जी। हाँ छुट्टी ले ली है इन्होंने 15 दिन की जी। हाँ माँ सब ठीक है, रखते हैं जी। आप मिसेस सक्सेना? हाँ मैं युवराज सक्सेना, वो गोदरेज में मैं अभी अभी जूनियर। अरे आगे जाओ भाई, कुछ नहीं खरीदना है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब सही समझ रही हूँ। ये बड़े बड़े कंपनी वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहना के सुंदर लड़के लड़कियों को भेज देते हैं सेल्समैन ही करने। जी मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं गोदरेज में जूनियर मैनेजर लगा हूँ। तो लगे रहो, हम क्या करें। ये गाड़ी क्यों लगाई यहाँ पे, बाहर ले जाओ। मुझे आपके पति के मौसा जी ने भेजा है गजेंद्र अंकल। जल्दी गाड़ी निकालो जल्दी। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक कमरा खाली है, आई मीन किराए पर मिलेगा। था, अब नहीं है। ओह, एक्चुअली मुझे मेस का खाना सूट नहीं करता है, बस 2 महीने के लिए कमरा चाहिए था। वो क्या फैक्ट्री का जो बंगला मिलने वाला है वो 2 महीने बाद मिलेगा, तो तब मैं कुक वगैरह रख सकता हूँ ना। और तुम्हारे बीवी बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। गोदरेज में जूनियर मैनेजर हो? जी। पक्की नौकरी? जी। और 2 महीने के बाद बंगला भी मिलने वाला है? जी। ये गाड़ी भी तुम्हारी है? हाँ। और तुम सक्सेना भी हो? जी। तो चलो। एक मिठाई लेनी पड़ेगी, प्रसाद है। ओके। तो शादी क्यों नहीं की अब तक? मम्मी जी ढूंढ रही है, जब मिल जाएगी तो कर लेंगे। चलो इस बात पे एक और। अरे अभी तो ये लिया। लड्डू, प्रसाद है ये भी। आओ, हम सोच रहे हैं कि तुम्हें हमारे गजेंद्र मौसा ने भेजा है, तो तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। बैठो बैठो। तो तुम एक काम करो, तुम 2 दिन मेस में रह लो, फिर हम तुम्हें अपने घर में एडजस्ट कर लेंगे कहीं पे। हाँ थैंक यू दीदी। आजकल लोग बैचलर्स को अपना घर देने में हिचकिचाते हैं, अगर आप नहीं होती तो। बैचलर हो इसीलिए तो मदद कर रहे हैं। जी मतलब देखो, शादीशुदा होते तो कोई भी रख लेता, तब तुम्हें हमारी क्या जरूरत होती बोलो। यू आर राइट, अपनी ही जरूरत में काम आते हैं। यही तो इंसानियत है भैया, आज हम तुम्हारे काम आए हैं, कल शायद तुम हमारे काम आ सकते हो। दीदी दीदी, ये 2 कार्ड्स में से फाइनल करना है, ये नीला वाला या सब ठीक तो है ना दीदी? आप परेशान लग रही है कुछ। तुम इंजीनियर नहीं डॉक्टर हो भैया, क्या सही पहचाना? बात क्या है? अब एक कहे तो सुन ले भैया, लेकिन सारा मोहल्ला बातें बनाए वो भी तुम्हारे बारे में बर्दाश्त नहीं होता हमसे। दीदी खुलकर कहिए ना, क्या वो मिसेज राय और मिसेज शर्मा है ना, वो कहती हैं कि तुम शादी से पहले ही घर जमाई बन गए हो। अब उनकी बात गलत साबित करने के लिए हम तुमसे किराया तो नहीं लेंगे, तो बात तो सही हुई ना उनकी। अपने बच्चे क्या करते वो नहीं दिखता उन्हें, दूसरों के घरों में ताक जा करते रहते। वो मिसेज राय उनकी जो लड़की है ना, वो जो भी करे भैया उसे हमें क्या,
लेकिन तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई हमसे, तो हमने झट से कह दिया कि तुम यहाँ रहते ही नहीं हो। अच्छा किया, बात खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई भैया, वो लोग आ रही हैं कल देखने, और तुम तो जानते हो मिसेज राय को। मिसेज राय? नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से कहीं और रहने का इंतजाम कर लेता हूँ। ठीक है। अरे राहुल जी, लेकिन तुम जाओगे कहाँ ऐसे अचानक? मैं शौकत के यहाँ चले जाऊँगा, दोस्त है मेरा वो। लेकिन पान वाले के यहाँ रहोगे? ये तो ठीक नहीं है ना, फिर मिसेज राय। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊँगा। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। वो 10 बजे आ जाएंगे वो कल। ठीक है दीदी, मैं 9:30 बजे तक निकल जाऊँगा। हाँ देखो, अभी भी हम तुमसे कह रहे हैं जो तुम करने जा रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर लक्ष्मी गणेश ने कहा सही है तो? अरे लक्ष्मी गणेश तो पिछली बार गणेश जी ने ही राहुल के लिए शुभ शुरुआत कहा था ना। हाँ तो शुरुआत तो सही थी ना। अब देखते हैं युवराज के लिए क्या कहते हैं गणेश। लक्ष्मी जी, हम जानते थे लक्ष्मी आएंगी, इसका मतलब अधिक धन वाला युवराज हमारी निशा को रानी बना के रखेगा। राजेश्वरी एक बात पूछिए। कल अगर युवराज से भी ज्यादा बेहतर, ज्यादा अमीर लड़का मिल जाए तो हम निशा की शादी उससे करवा देंगे। देखिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि लड़का अच्छा हो। अब ज्यादा पैसे वाला होगा तो ज्यादा सुखी रहेगी ना हमारी निशा, और हम अपनी ये जिम्मेदारी कुछ भी करके निभाएंगे। अब पूरा दिन फोन मत करना वरना वही टॉपिक रहेगा। हाँ गुड मॉर्निंग दीदी। युवराज आ गए और राहुल तो ऊपर है अब तक, अब क्या होगा? तो दोनों लड़के हाथ से गए और क्या? नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आपको हमारी मदद। सवाल ही नहीं उठा, हम तो ऑफिस जा रहे हैं। आपको हमारी कसम। क्या? हाँ इस काम में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, बस हम कुछ नहीं जानते, आपको हमारी कसम। युवराज इतनी सुबह सुबह क्यों आए? क्यों? वो आपने कहा था ना आ जाने को, तो मैंने सोचा ऑफिस जाऊं उसे पहले ही शिफ्ट कर लूं। बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। युवराज ये सुरेंद्र है, गजेंद्र मौसा के भांजे। ओह हेलो। और ये युवराज है हमारे नए किरायेदार। अच्छा 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 जी, मैं फटाफट शिफ्ट कर लेता हूँ। क्यों फटाफट क्यों, आराम से करो। अंदर कुछ नया सामान होगा, अगर कांच वांच का टूट जाएगा, आराम से करो। आप मदद कीजिए सामान निकालने में, आराम से। अरे उठो, सोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, उठो उठो, वो लोग आ गए हैं। बस इतनी ही बैग है? हाँ बस इतनी है। अच्छा अच्छा, अरे आराम से, जल्दी क्या है। अरे सुनो सुनो सुनो, वहां से नहीं पीछे से। अच्छा ठीक है। अरे 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 क्या? मेरा बैग, मेरा बैग। अरे नहीं हा? तुम खिड़की के नीचे खड़े हो जाओ, हम फेंक देंगे। ओके हाँ, भूलना मत जी। मैं हेल्प करूं? जल्दी क्या है, महंगा सामान होगा अंदर, टूट जाएगा, आराम से संभाल के संभाल के। ए भाई आहिस्ते, फिसल जाओगे यार, संभाल के। गाड़ी गाड़ी बाप दादा जमाने की गाड़ी। ओ मेरी गाड़ी है। अच्छा हाँ, कमाल की चलती really? है। पर आराम से नहीं? हाँ छोटी है मगर आराम से चलती, नॉट बैड। गैराज भी नहीं जाती है। क्यों? पड़ी रहती है ना यहाँ। अच्छा अरे
अभी तुम संभालो, हम चलते हैं। आराम से जाना। युवराज आओ ना। बहुत बढ़िया कमरा है। सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं यहाँ से, और चिड़ियाँ चहचहा के जगाती हैं। अरे इधर आओ ना, यहाँ से देखो और खिड़की खोलो तो सामने हरियाली। पढ़ाई में इतना, मतलब काम में इतना मन लगेगा कि टॉप पे पहुंचोगे। हमारे घर में कॉकरोच छिपकली बिल्कुल नहीं आते, मैं आने ही नहीं देती। लगता है आप इन्हें डरा कर रखती है, नहीं? बहुत मजा किया हो, मजा आएगा तुम्हारे साथ युवराज। और देखो खाना, चाय, नाश्ता सब हमारे साथ करना, इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? बिल्कुल, इनफैक्ट गजेंद्र अंकल ने भी यही कहा था। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? बुरा ना मानने पे आप एक बात पूछेंगे, और अगर बुरा माना तो कितनी बातें पूछेंगे? सचमुच बहुत मजा किया हो। हाँ, पर हम पूछ रहे थे कि तुम इतने वो अंग्रेजी में हैंडसम हो, सुंदर हो, बिल्कुल हीरो लगते हो, तो फिल्मों में जाने का नहीं सोचा? फिल्में ढोंग है, धोखा है, ढकोसला है। हम लोग स्वतंत्र सेनानियों के कुल से, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। मम्मी जी कहती है सादा जीवन उच्च विचार। क्या उच्च विचार है तुम्हारे? गांधी जी के। क्या उच्च कुल है तुम्हारा? परदादा का है। अरे क्या हैंडसम तस्वीर है तुम्हारी। ये मम्मी जी ने खींची थी, एक्चुअली तीन फोटो खींची थी, पर मम्मी जी ने कहा दिस लुक्स द बेस्ट। शक्ल तो तुम्हारी है ना? हाँ। नौकरी भी? जी। बंगला भी तुम्हें ही मिलेगा? जी। शादी भी तुम्हारी होगी? होगी, पर सिर्फ मम्मी जी की मर्जी से। अरे वाह 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 राजेश्वरी, हैं? बहुत दिन बाद याद आ गई अपने गजेंद्र मौसा की। याद तो हम रोज करते हैं मौसा, बस फोन आज ही किया, बल्कि मिलना चाहते थे आपसे और युवराज की माँ से भी। हाँ फोन उठाओ। हाँ हेलो। ठीक है बस। प्रणाम माँ। माँ का फोन है? हैं? युवराज की माँ का फोन तुम्हें कैसे आ गया? वो फोन पर बात कर रही है। लेकिन फोन पर तो तुम बात कर रहे हो बेटा। हाँ हाँ लेकिन वो हाँ आप अपने भांजे से बात कीजिए। एक मिनट मैं क्या बात करूँ, बात करो। हेलो हेलो। आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। अच्छा हेलो 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 हेलो। माँ आपसे, माँ निशा की शादी की बात करना चाहते हैं। माँ सुनिए आप बात कीजिए यहाँ पे मुझसे। लेकिन तुम्हारी शादी तो राजेश्वरी से हो चुकी है ना बेटा? वो तो है माँ, लेकिन राजेश्वरी चाहती है कि युवराज से शादी हो जाए। क्या उसका दिमाग खराब हो गया? आप रखिए हम करते हैं। अच्छा, आप आइए। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। माँ को, माँ से हम बात करते हैं, आप मौसा से बात कीजिए। और नेटवर्क जा रहा है यहीं पकड़ के रखिए। हेलो 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 हेलो। माँ ये क्या अनर्थ हो रहा है? तुम किसी युवराज से ब्याह करना चाह रही हो? हाँ माँ, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक वैसा जैसा हम चाहते थे। तो सुरेंद्र में क्या बुराई है? हेलो माँ, अब ये समय नहीं है इनकी बुराइयां देखने का, अब ये जैसे है रहने दीजिए। आप बस निशा को जल्दी से भेज दीजिए इधर। और हाँ सुनिए सुनिए, उसे कुछ बताइएगा मत। काहे नहीं, शायद वो तैयार ना हो। अरे उसके पहले तो हम तैयार नहीं होंगे। क्यों माँ? क्योंकि हम नहीं भेज सकते छोटी बहन को बड़ी बहन की सौत बनने। ये माँ को क्या हुआ? मम्मी जी को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा, वो भी आपसे। नया नया मोबाइल है ना, सुनने में गलती हो गई होगी। अच्छा तभी तो मैं कहूँ,
चीजा जी का फोन आया तब जाके उनका गुस्सा ठंडा हुआ। मैंने पूछा भी उनसे कि बात क्या हुई तो बोली कुछ नहीं, बिना बात का पतंगड़, और बोलने लगी बस अपना सामान पैक करो और जाओ रचो के यहाँ। लेकिन ऐसी बात क्या हुई दीदी? निशा, बच्चों की बस आ गई होगी, मैं ले आती हूँ उन्हें। हाँ, तुम नहा धो लो तब तक। ओके। हाँ, अब ठीक। चोट तो नहीं आई? सॉरी, हमें लगा राहुल है। जी सॉरी। जी सॉरी। सॉरी जी। आप हेलो, सुनिए, सॉरी जी। आउच। सॉरी जी। नहीं बातें, लेकिन जब राहुल ने सुना कि मोहल्ले वाले उसे घर जमाई कह रहे हैं, उसने झट से दूसरा कमरा ले लिया किराए पे। राहुल है ही ऐसे, हमें तो लगा वो ऊपर रहने वाले शायद उनके दोस्त हैं। नहीं नहीं, वो तो युवराज है, युवी, जीजा जी के गजेंद्र मौसा है ना, उनके दोस्त का बेटा, गोदरेज में है, पक्की नौकरी है वहां, और अगले महीने
बंगला मिलने वाला है उसे। लेकिन राहुल कहाँ गए हैं? पता नहीं क्यों अनअवेलेबल आ रहा है, देखना। अच्छा, बाद में ट्राई कर लेना। वो शाम में गजेंद्र मौसा और युवी की माँ आ रहे हैं खाने पे, उसकी तैयारी करते हैं। चलो चलो। okay. क्या हुआ मिया? भाभी से बतिया बतिया के सेल का बैलेंस खत्म हो गया क्या? अरे निशा से क्या, राजेश्वरी दीदी से भी बात नहीं हो पा रही है, ये नंबर ही नहीं लग रहा। क्यों, कहीं आपका पत्ता कट तो नहीं गया? मैं क्या तुम्हारा पान का पत्ता हूँ जो कट जाऊँ चबा लिया जाऊँ? अरे ये सब चक्कर इन मोबाइल फ़ोन वालों का है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब हम बात करने जाते हैं तो कभी नेटवर्क गायब तो कभी। अरे लग गया, हेलो, रॉन्ग नंबर। अच्छा हुआ ये इनकमिंग के पैसे नहीं लगते, वरना ये रॉन्ग नंबर के भी पैसे देते देते दिवाला निकल चुका होता हमारा। अरे वाह। बैठो। आप बैठिए ना दीदी। बैठो निशा, चलो लीजिए ना। बेटा, इसमें से तुमने क्या क्या बनाया है? सब निशाने बनाए हैं आंटी जी, ये जब आती है ना हमें कोई काम करने नहीं देती। पर हमारी राजेश्वरी जैसा खाना ना कोई बनाता है ना बना सकता है। लेकिन बेटा, औरत सिर्फ घर रसोई करे ये ठीक नहीं है, क्यों? जी आंटी जी, राजेश्वरी दीदी भी यही कहती है, इसीलिए तो हम गांव में पढ़ाते हैं बच्चों को भी और बड़े बूढ़ों को भी। आपकी हॉबीज क्या क्या है? पढ़ना, पढ़ाना और समाज सेवा, बिल्कुल आपकी तरह आंटी जी। पर हमारी राजेश्वरी जैसा सेवा भाव तो किसी का नहीं है। आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? घूमना फिरना, पिक्चर देखना और बल्ब लगाना। हेलो हेलो, कहाँ ना रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर था। पर वो रॉन्ग नंबर तो उस फोन पे था मम्मी। बहुत शराफत हो गई आज के लिए, जाओ चलो हाथ धो लो। चलो बेटा, तुम्हें युवराज से कुछ पूछना है? हमें नहीं। अच्छा बेटा, शादी के बाद तुम नौकरी करना पसंद करोगी या फिर? बहुत बहुत शर्मीली है हमारी निशा। हाय हाय, शर्माने में तो हमारी राजेश्वरी का कोई दो। वाकई बहुत संस्कारी है आपकी बहन और स्वीट भी, हमें बहुत पसंद है। और मुझे भी। तो बात पक्की? बिल्कुल पक्की। और देखिए, शादी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, महीने भर में युवी को घर भी मिल रहा है। और घर को स्वर्ग बनाने वाली लक्ष्मी होगी हमारी निशा, और 10 दिन के बाद एक शुभ मुहूर्त भी है। चट मंगनी पट ब्याह, जैसे हमारी राजेश्वरी का हुआ था। मुंह मीठा तो कीजिए। अरे दीदी, आप लड्डू खिला खिला कर लड्डू जैसा बना देंगे। ये दिल को तो क्या ना पसंद है तुम्हें युवराज में? बात युवराज की नहीं है दीदी, राहुल की है। आपने हमारी शादी राहुल से पक्की की है। गलत,
हमने तुम्हारी शादी राहुल से पक्की की थी, अब युवराज से पक्की की है। अगर उसे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं है तो उसे ना कहने का हक है। बच्ची है, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती खुद, और आज गुस्से में है, कल समझ जाएगी। इतना अच्छा परिवार है, पैसों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। निशा मासी के पास ही रहना, हम प्रसाद लेके आते हैं। सारी चॉकलेट दूंगी, पहले बताओ कहां पर। पहले पूजा तो खत्म कर लीजिए। श्लोक पहले परिक्रमा तो कर लीजिए, जैसे पृथ्वी करती है सूरज की। ये दिल को हुआ क्या? देखकर इतना दुखी तो आज तक कोई भी नहीं हुआ। मैं चलूं? और राहुल? हाँ, अब हुई ना बात। बताओ कैसी हो तुम? कब आई? और मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, जानता हूं राजेश्वरी दीदी नहीं चाहती है कि तुम और मैं मिले, करेक्ट? कहाँ जा रही हो माँ? परिक्रमा करने। पर इतना बड़ा चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, यहीं पर घूम लीजिए ऐसे। और क्यों? क्योंकि जो छोटा चक्कर लगाता है वो हमेशा जीतता है। ये किसने कहा? नानी ने। क्या? हाँ, नानी ने बताया। और नानी ने बताया कि गणेश जी ने शिव पार्वती का छोटा चक्कर लगाया था, जिसकी वजह से वो जीत गए। मत जाइए ना माँ, वरना हमें चॉकलेट नहीं मिलेगी। अब ये चॉकलेट का क्या चक्कर है? निशा मौसिन का है, जब तक वो राहुल से मिल ना ले तब तक माँ को यही रोकना। राजेश्वरी दीदी, चलो संभाल के उतरो। दीदी, दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों, अब कुछ करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे पर मैं शादी की पूरी तैयारियां कर चुका हूँ दीदी। इंजीनियरिंग की तैयारियां कर ली तो गारंटी थोड़ी है कि पास हो जाओगे। अरे पर आप ही तो पीछे पड़े थे मेरे। तो लो, अब नहीं पड़े पीछे, तुम भी हमारा पीछा छोड़ दो। हा? दीदी आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, तुम कोई सरकार हो कि हमें नियम बताओगे कि हम क्या कर सकते हैं? हैं? दीदी ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं निशा से प्यार करता हूँ, निशा भी मुझसे, और आपने वादा किया था दीदी, आपने शादी पक्की की थी। तो कौन से स्टैंप पेपर पे साइन किया था? कोर्ट कचहरी ले जाओगे हमें, जेल करवाओगे क्या? चलो निशा, निशा चलो। तो तुम्हारी शादी करवाए खातिर तुम जो कहोगे सो हम करेंगे। हाँ बोलो क्या करें। कुछ नहीं मामा जी। कुछ नहीं? अरे बचवा, कुछ नहीं करने से शादी कैसे होए? हाँ हे बचवा, बचवा तुम रो रहे हो का? नहीं मामा जी, वो हम, अरे उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं हम, तुम हमें सच बताओ। मामा जी आपकी बात सुन के वो माँ की याद आ गई। माँ की याद आ गई बच्चे को? देखो बचवा, तुम चिंता ना करो, हम सब कर लेंगे ना। सब लड़की वाले कर रहे हैं मामा जी, आपको आने की जरूरत नहीं है, अभी हम है ना। ठीक है बचवा, लेकिन तुम लड़की वालों के यहाँ जाना जरूर और उनसे पूछना
कुछ काम वाम हो, कुछ मदद वदद की जरूरत हो तो हमसे बात करें ना। जो करना होगा मामा जी वो तो करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। पुलिस पकड़े उसको जो करे गलती। क्या मतलब? नहीं, मैं माफी मांगने आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि जो मैंने किया वो गलत किया। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं। आप निशा की बड़ी बहन है, आपसे बेहतर उसका भला बुरा कौन समझेगा। आप जिससे चाहे उसकी शादी करवा सकती है, तुड़वा सकती है, जुड़वा सकती है और छुड़वा भी सकते हैं। पीछा तुमसे अब बहुत हो गया, आगे जाओ। दीदी नहीं, दीदी जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और माफ़ कर दिया तो चले जाओगे? हाँ। तो माफ़ किया जाओ। सच में बोल दिया राजेश्वरी दीदी को कि निशा भाभी और युवराज का? हाँ। अरे लेकिन वहां राजबली मामा को तो ये बोला है ना कि आपका और निशा भाभी का। हाँ, क्योंकि अगर उन्हें सचमुच सच का पता चल गया तो यहाँ तहलका मच जाएगा। मतलब सच में निशा भाभी और युवराज का? आपको लगता है मैं ऐसे होने दूंगा? मतलब आपका और निशा भाभी का? बिल्कुल। मैं तो बस ऐसा पुल बना रहा हूँ जिसे निशा और मैं हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। इसलिए आपने ये सच निशा भाभी को बता दिया? नहीं बताया है? ये हरिपति सही नहीं है। निशा बहुत सीधी है, अगर उसे सच का पता चल गया तो राजेश्वरी दीदी से छुपा नहीं पाएगी और मेरा प्लान फेल हो जाएगा। इसे सच मुझ तक ही रहे वही अच्छा है। आपको पता ना सच क्या है? सच तो बस इतना है शौकत मियां कि मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी बस मैं ही करूंगा। अरे दीदी आपकी पोछा धो रही है, ये मैं ले चलूं। नहीं नहीं नहीं, हम खुद उठा लेंगे। दीदी आप तो जानती हैं, आप मना करेंगी तो भी मैं मानूंगा। अरे क्यों फालतू में, अब जिद छोड़ो ना। आप झोला छोड़ दीजिए, मेरी जिद ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। आइए, और क्या हाल चाल? हाँ सब ठीक। घर पे सुरेंद्र जी, सना, श्लोक सब कैसे? सब ठीक है। शादी की तैयारियां कैसे चल? सब ठीक है। अपना कार्ड वाला, बैंड वाला, खाने वाला सबका इंतजाम हो गया? नहीं, मेरा मतलब है अब इन सब लोगों से मेरी बातचीत तो चल ही रही थी, डिस्काउंट का डिस्कशन भी हो गया था, बहुत बढ़िया रेट मिल रहा था मुझे, आखिर मेरी शादी की बात थी। दीदी ये लीजिए, आप ये एक बार रख लीजिए अपने पास, फिर देख लेना। नहीं दीदी रख लीजिए। अच्छा मैं इसमें रख देता हूँ। दीदी का आपको इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। अरे मैं छोड़ देता हूँ ना अभी तो। नहीं ठीक है, आ गया, घर आ गया। अच्छा ठीक है दीदी। वो गिर गया शायद दीदी। उठा रहे हैं। रख लिया। कार्ड पे 7,000, बैंड पैंट पे 2,000, शामियाना, खाना, गाड़ी सब मिला के 18,200 की बचत। ये राहुल तो बहुत अच्छा मोल भाव कर लेता है। ये आपका, सॉरी ये मेरा, अरे सॉरी ऑरेंज ही मांगा था ना। हाँ मैं क्या बोला, डेकोरेटर भैया आप थोड़ा 1,000 रुपया कम कीजिए, वो थोड़ा, और आपके इसमें ना मुझे थोड़ा 500 रुपया थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और आपका 100 रुपया हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम मोल भाव करेंगे तो 1,000-2,000 और कम करवा लेंगे। हाँ शायद मुफ्त में भी काम हो जाए।
मुफ्त में क्यों करेंगे जी, कोई रिश्तेदारी है हमारी। लेकिन 20,000 कम हो जाएंगे। अम्मा यार 20,000 रुपए बांट चुका हूँ, और कितना दिवाला निकालोगे? 30। जरा उस गरीब के बारे में सोचो, कहाँ वो अपनी शादी के लिए सब कर रहा था, कहाँ दूसरों के लिए करवा रही हो तुम। तुम्हारे 20,000 बचाने के लिए 20,00,000 टुकड़े ना हो जाए उसके दिल के। क्यों मियां, लगा है खुद को चुना और बात नहीं बनी तो? देखा लक्ष्मी, फोन उठाओ, लक्ष्मी बचाओ। चूना नहीं तीर लगा है, और वो भी निशाने पे। जी रजो दीदी, तो बात पक्की? हाँ, पक्की पक्की। बाद में ऊपर नीचे मत करना। कर भी सकते हैं। नीचे नीचे, अगर राहुल जी कहेंगे तो हम रेट नीचे भी कर सकते हैं। क्यों? अगर आप रेट और नीचे कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। कितना नीचे करेगा बच्चे, कुछ खर्चा इनको भी करने दे, आखिर इनके घर में शादी है। हाँ हाँ, हमने जो बात पक्की कर दी सो कर दी, हम आप सबको एडवांस दे देते हैं। हाँ, एडवांस तो हमें मिल गया। मतलब राहुल, राहुल इनका इनका मतलब है कि राहुल भैया ने कह दिया तो हो गया, आप सिर्फ फाइनल पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी बात पे चाय मीठा हो जाए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तब तक मैं इन्हें सजावट के लिए घर दिखा देता हूँ। आइए प्लीज आइए। यहाँ का मैं बाद में दिखाता हूँ। और राहुल जी, दहेज बहुत मिलने वाला है क्या? आप मेजरमेंट लीजिए ना यहाँ का, और इनको वहाँ बाहर दरवाजे पे खड़ा रखो। एडवांस मिल गया। क्या मतलब है खाली फोकट मुंह खोलने का? आप आइए प्लीज। ये पिलर जो है ना, हाँ, इसको डेकोरेट कर देना। ए, इधर भी सजा देते हैं ना। निकालो दीवाला, निकालो मेरा। निशा, निशा, ये सब क्या कर रहे हैं आप? निशा, हम आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप आओगे, दीदी से बातें करोगे, उन्हें समझाओगे, दंगा फसाद कुछ तो करोगे, नहीं तो मुझे भगा के ले जाओगे। अगर मैं कहूंगा तो भाग चलोगी मेरे साथ? उस दीदी ने जिसने तुम्हारे लिए इतना किया उनकी इज्जत पे दाग लगा के, मैं जानता था नहीं कर पाओगी तुम। इसलिए आप मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना? आप कैसे सोच सकते हैं हम आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ले? हम आपको भूल जाए, आप हमें भूल सकते हैं? निशा, रो मत, मेरा भरोसा रखो। मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। राजेश्वरी दीदी तुम्हारा भला चाहती है। युवराज से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, उससे शादी करके तुम खुश रहोगे। तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए और अब बस युवराज के बारे में सोचो। सही कहा आपने, हमें युवराज के बारे में सोचना चाहिए। जो इंसान अपने प्यार के बारे में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे बारे में नहीं सोच सकता, हमें उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। ये दिल को हुआ क्या है? हाँ प्रकाश, बंदोबस्त कर लिया ना? अरे सक्सेना की शादी हो रही है यार, नो कॉम्प्रोमाइज प्लीज। हाँ दीदी, ओ दीदी सॉरी। हाँ प्रकाश, मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं बात बात कर लो। हाँ सुन, नहीं दीदी, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ, रख प्लीज। तुम सचमुच बहुत भले आदमी हो, हम ही तुम्हें गलत समझ बैठे। हम ना सचमुच निशा का ब्याह तुमसे करवा देते अगर युवराज ना मिला होता तो। कोई बात नहीं दीदी, ब्याह ना सही, ब्याह में मदद करने की परमिशन तो आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा दी, तो ठीक है, अब ऐसी शादी होगी जो ना किसी ने सुनी होगी ना देखी। ये शादी के कार्ड अभी अभी ताजा आए हैं। पुराने और बासी हो जाए उससे पहले मजा ले लीजिए। ये राहुल है, बहुत अच्छा लड़का है, बैठो ना राहुल। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। इसे हमारा फैमिली मेंबर ही समझ लीजिए। दूर का रिश्तेदार पर बहुत करीब का रिश्ता है। बातें बहुत दिलचस्प करते हो, क्या करते हो फिलहाल? तो मेरी दिलचस्पी तुम्हारी शादी में,
एक बार वो निपटा दूं फिर आगे की सोचेंगे। बातें बनाना बहुत आता है इसे। सब आपसे सीखा है दीदी। अरे बातों से याद आया, आप जिस बात के लिए यहाँ आई थी वो तो रही गई। अरे हाँ, हम कह रहे थे कि अपना घर होते हुए आप यहाँ गेस्ट हाउस में रहें, ये तो ठीक नहीं है ना? नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, वरना लोग ये कहेंगे कि यूवी घर जमाई हो गया है। अगर शादी ना हो तो घर जमाई कैसा? क्या मतलब? नहीं मतलब घर जमाई तो तब कहेंगे ना जब शादी हो जाए। अभी कहाँ हुई शादी जो कोई कुछ कहे, है ना दीदी? और नहीं तो क्या, वैसे भी यूवी सेटल्ड है वहाँ पे, तो शादी तैयारी खरीदारी सब आसानी से हो जाएगी। ठीक है, युवराज को वहाँ रहने दीजिए, हम यहीं रहेंगे। रही खरीदारी की बात, उसके लिए बंदा हाजिर है, मैं शॉपिंग भी करवा दूंगा और मम्मी जी को मोटरसाइकिल पे अप डाउन भी। आपने बिल्कुल सही कहा था, बहुत अच्छा लड़का है। देखो ये कैसी शादी के भरे मंडप से हुआ दुल्हन का किडनैप। अरे वो चौथी भाग गई दुल्हन। हाँ। पर शादी हुई साली से। क्या क्या चल रहा है अपने पालनपुर में, कमाल है। युवराज, हाँ। स्वतंत्रता सेनानियों का आपका परिवार है, गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाले, ऐसा ही एक परिवार है जहाँ एक लड़की है जानवी, गांधीवादी टोंग टोंग एकदम, युवराज के लिए एकदम फिट रहती है। लेकिन युवराज के लिए? पर बेटा युवराज की शादी तो निशा से हो रही है ना। वो सफेद वाली साड़ी दिखाना, ये किसी है? राजेश्वरी दीदी के लिए। अरे राहुल। अरे मिसेस राय, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। साड़ी लेने आए? आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। ध्यान से देख। अरे बाप बाप, बड़ी साड़ियाँ खरीद रहे हो निशा के लिए? हाँ, ये शॉपिंग में हमारी मदद कर रहा है। मैं मिसेस सक्सेना हूँ और ये मेरा बेटा यूवी। नमस्ते। मैं मिसेस राय, राजेश्वरी के पड़ोसन। अच्छा अच्छा, तब तो आपको हमारी शादी में जरूर आना पड़ेगा, मेरी और निशा की। अच्छा, अरे लेकिन निशा तो ठीक लगा, युवराज से शादी हो रही है। हम लोग युवराज को प्यार से यूवी बुलाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। वो साड़ी दिखाई ना। जहाँ तक मुझे पता है निशा को तो जो पहले से ही पसंद है। लाल कलर की पसंद आएगी भैया, लाल साड़ी देना। ये कौन सी ग्रीन साड़ी दी आपने? ग्रीन फिर से ये ब्राउन, ब्राउन अगेन। ये काउंटर से चलते हैं, दूसरे काउंटर पे। ये काउंटर वाला ठीक से नहीं दिखा रहा आपको। यह साड़ी तो पसंद आई। ग्रीन ब्राउन नॉनसेंस, फंस गई, कोई निकालो भाई। कहाँ गए? क्यों मिसेस राय, कहाँ जा रही है आप? वो है ना, वो युवराज को निशा और मेरे बारे में बताने। हाँ तो सच्चाई बताने में हर्जी क्या है? तो एक सच और भी जान लीजिए। क्या? आपकी बेटी और ड्राइवर का चक्कर चल रहा है। अच्छा, क्या बकवास कर रहे हो? कभी कभी अपने घर की भी खबर रख लिया कीजिए। दोबारा मेरे और निशा के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की ना, तो आपकी बेटी और ड्राइवर के पोस्टर मोहल्ले के हर दीवार पर नजर आएंगे। पोस्टर लगवा दो बाजार में। खूब सारी शॉपिंग की भाई, मजा आ गया। हाँ मुझे भी आता, अगर वो मिसेस राय पहुंचकर सारा मजा किरकिरा नहीं कर देती। क्या कह रही थी वो? अरे ऐसी औरतों से किसी का भला तो होता नहीं है, पहुंच जाती है बुरा करने। कह रही थी सिर्फ साड़ी से काम नहीं चलेगा, बड़ी फैशनेबल लड़की है निशा, मैचिंग सैंडल्स, हैंडबैग, मेकअप सब चाहिए होगा। तो मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, आजकल की सारी लड़कियां टिप टॉप रहना पसंद करती है, आइए। अरे पर यूवी, मिसेज राय का दिल भरा नहीं, कहने लगी निशा को बड़ा शौक है गहनों का, हीरे की अंगूठी, सोने का नेकलेस सब चाहिए होगा। तो मैंने कहा उसमें क्या बुराई है, अच्छे पैसों वाला ससुराल है उसका, एक लौती बहू होगी, जेवर उसके लिए नहीं बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? हाँ तू सही कह रहा है। हाँ आइए मम्मी जी। अरे बड़ी दुष्ट औरत है यार, बुराई करते करते थकती नहीं है। कहने लगी निशा को रात को दौरे पड़ते। क्या? हाँ। अरे मैंने कहा क्या आपने जाके बेडरूम में देखा है? अच्छा बेडरूम में देखा नहीं है तो क्या रात को उसको चिल्लाते हुए सुना है? सही किया ना मैंने?
सही किया तूने। मम्मी जी, आप तो समाज सेवा केंद्र चलाती है ना? हाँ। तो जब किसी को फिट्स पड़ते हैं तो वो क्या ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाती है? हाँ, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो जो हमने सुना था सब ठीक ही था। पर राजेश्वरी ने तो हमें कुछ नहीं बताया। तो आप कौन सा बताएंगी मम्मी जी? आएंगी और कहेंगी कॉकरोच था या चिपकली? दीदी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चूहा था। आप लोग जाइए ना, आराम कीजिए। हाँ नहीं नहीं, अब हम चलते हैं। अच्छा तो फिर आप छोड़ाइए ना। हाँ चलिए। नहीं नहीं, राहुल है ना। हाँ नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं छोड़। अच्छा ठीक है। अच्छा नमस्ते। अच्छा बच्चे भी ट्रेंड है यहाँ। रात को डर लगा? थोड़ा थोड़ा। अब तो आदत डाल लो थोड़ा डर डर के सोने की। क्यों, शादी कर रहा हूँ इसलिए? अरे नहीं यार, निशा से शादी हो रही है इसलिए। पता नहीं कब पिली डायन की तरह चिल्लाने लगे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सच्चाई जानने के बाद भी शादी के लिए मना नहीं किया, वाह। क्या करूं यार, अगर निशा को ये बीमारी शादी के बाद लगती तो। वाह क्या विचार है यार। मेरे नहीं, मम्मी जी के। अच्छा अच्छा, कुछ और सोचना पड़ेगा। किस बारे में? शादी, तुम्हारी शादी के बारे में। कितना सोचते हो। Yeah.
आइए अंदर आइए, ये ऊपर संभालना जरा भाई साहब। आ जाओ आ जाओ, रेफ्रिजरेटर लाओ अंदर, बहुत भारी रेफ्रिजरेटर है ये, संभाल के। हाँ गिरे नहीं वो उस तरफ। हाँ आ जाओ, वो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन सब संभाल के रखना। हाँ वहाँ लेफ्ट में रखो रखो, संभाल के संभाल के। हाँ ओके, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। और ये यहाँ यहाँ पे हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी ये, हाँ हीरे की ये आप रखिए। इतना सारा तिलक, सब लड़के वाले ऐसे ही होते हैं, पहले कहेंगे हमें दहेज नहीं चाहिए, फिर क्या क्या चाहिए उसकी इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देंगे लड़की वालों के हाथ। देखो देखो। उन्होंने साफ कहा है भाई, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर टीवी, फ्रिज, हीरे की अंगूठी। देखो इतना सब कुछ देने की हमारी हैसियत नहीं है। तो मत दीजिए, देखिए आप लोग ये सब दे रहे हैं, ये सब देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए, खास करके मिसेज राय का। अब मम्मी जी को तो दहेज चाहिए नहीं, वो मना कर देगी तो हम जाकर के सब सामान वापस कर देंगे। करेक्ट, मैंने दुकानदारों से पहले ही बात कर रखी है। वाह क्या तेज दिमाग पाया है तुमने राहुल। हाँ तो दीदी मैं आपकी पहली पसंद ऐसे ही तो नहीं था। प्लान अच्छा है। हाँ लेकिन सब कुछ हमत खत्म कर देना। हाँ हमारी पहली पसंद अभी तुम हो। डबल डोर फ्रिज देना चाहते थे हम निशा को, लेकिन दुकान में था नहीं, क्या करें। दहेज लेने वाले कहते ना हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ देना है अपनी बेटी को दे दो। लोगों को लगेगा कि आप भी उनमें से एक हो। बहुत भूल हो गई। देख लिया ना सामान, सब टॉप के ब्रांड लाई हूँ। हाँ राजेश्वरी हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन देखिए हमें सिर्फ अपनी बहू चाहिए। आप प्लीज ये सब वापस कर दीजिए। जैसी आपकी मर्जी आंटी जी। प्लान टू बी फेल। कल मम्मी जी की इतनी बेइज्जती हुई, इतना दुख हुआ उनको, क्या किया तुमने? जी चाहता है कि मैं शादी तोड़ दूं, पर मम्मी जी नहीं मानेगी। क्योंकि मम्मी जी का फर्ज है कि दूसरों के बारे में सोचे, तुम्हारा फर्ज क्या है? कि मम्मी जी के बारे में सोचना। मैं तो पहले से ही कह रहा था गलत जगह शादी कर रहे हो तुम, तुम्हारे लिए सही लड़की है टोंक टोंक गांधीवादी। मैं जानता हूँ यार कि मेरे लिए सही लड़की वही है, पर ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है ना कि शादी भी टूट जाए और मम्मी जी की इज्जत भी रह जाए। एक रास्ता है, तुम किडनैप हो जाओ। किडनैप? हाँ शादी के रोज अगर दूल्हा किडनैप हो गया तो शादी कैंसिल, और गलती ना दूल्हे की ना मम्मी जी की, किडनैपिंग की सारी तैयारियां मैं करूंगा। पर बेचारी निशा का क्या होगा? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूं ना, मतलब मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तू संभालेगा? हाँ हाँ, अरे जरूरत पड़ी तो जान दे दूंगा, अरे शादी कर लूंगा उस लड़की से। और बोलो। थैंक्स। अगवा मास्टर का इंतजाम हमारे जिम्मे। मुझे खून खराबा, लाठी बंदूक ये सब नहीं चाहिए, सब काम शराफत से होना चाहिए। यूं ही अच्छा लड़का है वो। राहुल मियां आप फिक्र मत करो। अच्छा और पैसे कितने लगेंगे? कुछ नहीं, अरे हमारी तरफ से आपको शादी का तोहफा। शादी का तोहफा मत समझ लीजिएगा बहन जी, असली हीरे की अंगूठी है। धीरे बोलिए, सब सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जोरी साहब, हीरे की अंगूठी थोड़ी लेंगे आपसे तोहफे में। अरे तो मैं कौन सा तोहफा देने जा रहा हूँ, पूरे 1,00,000 रुपए की है बस।
अरे इतनी खूबसूरत है कि 2 लाख की लगती है। बहन जी मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे अपना 1 लाख रुपए चाहिए बस। हाँ हाँ तो हम भी 1 लाख ही ले आ रहे थे आपके पास। आप अपना काम कीजिए। हाँ। लेकिन वो हमारे हस्बैंड है ना, कहीं काम से जाना पड़ा उन्हें, और हमारी समधन जो है उन्होंने तो इनकार ही कर दिया अंगूठी लेने से, तो अब हमें आपको अंगूठी ही वापस करनी पड़ेगी। तो कीजिए वापस, कीजिए। अरे चिल्ला क्यों रहे हैं? कह रहे हैं ना कहीं रखी है, मिल नहीं रही है, मिलते ही दे देंगे 1-2 दिन में। मुझे अपनी अंगूठी चाहिए या फिर 1 लाख रुपया, वो भी कल शादी होने से पहले, नहीं तो सबको साफ साफ कह दूंगा, फिर आपकी बेइज्जती हो या शादी रुके। जय राम जी की। क्या हुआ मैडम? काम करो ना जाके, जाओ। तुम कह रहे हो कि हम गुंडे और बदमाश ठहरे इसलिए राहुल ने हमें अपनी शादी पर नहीं बुलाया? अरे कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब काहे नहीं देते? सरकार अब हम का कहें, आप खुद ही चल के देख लीजिए। यही बतियां पहले काहे नहीं बताई? हाँ चलो बैठो, चलो समधन के घर। ऑल सेट, एकदम कुल्फी की तरह। अभी भीखूलाल आएगा और तुम्हें किडनैप कर लेगा। इनमें से भीखूलाल कौन है? हाँ इनमें से, हाँ इनमें से है भी या नहीं? पता नहीं यार, हमने उसे पहले कभी देखा ही नहीं। फोन कर रहे हो? भीखूलाल। कौन थे वो? भीखूलाल। रॉन्ग नंबर। भीखूलाल जी, भीखूलाल तो आप है ना, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं भीखूलाल? दिखता नहीं, हम बेस बदल के आए। रहने दे, रहने दे, हम टेस्ट कर रहे, कोई हमें पहचान तो नहीं रहा। अरे ढूंढ लेंगे यार। तुम भीखूलाल हो? तुम पागल हो? एक्सक्यूज मी, आप भीखूलाल हैं? हाँ हाँ, मेरे दादा भीखूलाल थे। ओए बारात में आयो क्या है? कब से देख रहे हैं हम, ये 10वां है। चलो बाहर निकलो, चलो। हम जाएगा तो हमारे साथ दूल्हा भी जाएगा। क्यों, तुम दूल्हे के बाप हो क्या? नहीं, हम भीखूलाल हैं। भीखूलाल। मामा, मामा जी, मामा जी। अरे अरे बच्चा, बच्चा, हम तुमका बहुत मिस किए, बहुत मिस किए। युवराज, भीखूलाल, भीखूलाल, दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा के शहर में देखने आए थे हम तुम्हें, पर यहाँ तो दूल्हा कोई और ही है। हमें पहले का नहीं बताया सब। चलो कोई देर नहीं हुई है, अभी लड़की को किडनैपिंग कर लेते हैं। इसीलिए, बस इसीलिए नहीं बताया आपको मामा जी, निशा को। अरे ठीक है बचवा, ठीक है, चलो लड़की को नहीं, उस दूल्हा का किडनैपिंग कर लेते हैं। मामा जी प्लीज, आप कुछ मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर लिया उसके किडनैपिंग का, प्लीज। तुम भी बचवा, देखा आखिर हमारा खून में है ये सब। मामा जी क्या करें। सुनो जी, राजेश्वरी दीदी। हेलो। नमस्ते। ये थाल तुमने तक मां को नहीं? अरे वो ग्लास का वास वापस हमारे। अच्छा मैं दे देता। नमस्ते।
श्लोक क्या? मैं एक एक मैं दो मिनट में। ये सब कलर वाले जो, अरे राहुल जी जरा मिसेज राय को कुल्फी खिलाना, इन्हें भी असली बादाम पिस्ते का स्वाद पता चले। मैडम वो देख रहा है, वो पता ठीक नहीं है। ये चिट्ठी सिर्फ युवराज अंकल को ही देनी है। किसको? अरे बाबा मुझे पता है, याद से चिट्ठी सिर्फ युवराज अंकल को ही देनी है। यू को को तुमने मुझे बुलाया? हम आपको क्यों बुलाएंगे निशा मैम? सच कहती है दीदी, हमें युवराज से शादी कर लेनी चाहिए, बहुत खुश रहेंगे हम उनके साथ। और कुछ पूछना है? निशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी शादी युवराज से नहीं होने दूंगा। सच? सच। अभी युवराज को किडनैप कर लिया जाएगा और बिना किसी की इज्जत के ये शादी रुक जाएगी। लेकिन आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जी आया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल आया। पर चिट्ठी तो श्लोक। युवराज हम राहुल से प्यार करते हैं और राहुल हमसे, हम सिर्फ राहुल से शादी करना चाहते हैं, पर हम अपनी दीदी के खिलाफ नहीं जा सकते। यदि आप हमारी मदद करें तो आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए, प्लीज। फिर चाहे हम जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहें, पर हम राहुल के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते। निशा Excuse me. देखो ना, क्या बोलने का इसको? यार इसको लेके नहीं गए अभी? अरे क्या, अब तो दुल्हनिया को लेके ही जाएंगे। कौन? दिल वाले। तू मुझे इतने दिनों से समझाता रहा कि मेरे लिए सही लड़की कौन है, अब मेरी समझ में आया कि मेरे लिए सही लड़की कौन है। कौन? देख लेना। चले चल चल चल। अबे तू चलता बन, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। पंडित जी शादी की रस्में शुरू कीजिए। बहुत तमाशा हो गया। मुझे नहीं होना किडनैप, और बंद करिए सब नाटक। नाटक? नाटक? हाँ ये नाटक है, और ये नाटक रचा है राहुल ने। पर राहुल ऐसा नाटक क्यों करेगा? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी शादी निशा से हो। वो पहले से यही कोशिश में था कि मैं शादी से इनकार कर दूं, और आज तो मुझे किडनैप करने का प्लान भी था। शादियों में नाटक बहुत होते हैं। क्या सच है राहुल? इससे पहले कि हम पुलिस बुलाएं? पुलिस? चल चल चल, गलती गलती, चले जाओ यहाँ से। माफ कीजिए पुलिस की धमकी। मामा जी चलिए। बचवा हमारी बहू। मामा जी लड़की तेरी शादी नहीं हो सकती, हम तुम्हें किडनैप करने आए। तू हंस क्यों रहे हो? करो ना। माफ कीजिए, ये सब इतना सब कुछ, ये हम, ये शादी होगी और ये शादी निशा के साथ ही होगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है युवराज, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका और निशा का तो कोई दोष नहीं है, ये शादी होगी। रज्जो जाके निशा को ले आ। अरे सुनिए, वो निशा को ना, निशा को क्या, भिगुलाल उठा के ले गया। अरे निशा किडनैप हो गई। अरे ये सब क्या कर रहे हो?
युवराज कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी निशा, अरे पुलिस को तो फोन करो। दीदी जीजा जी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं निशा को सही सलामत वापस ले आऊंगा। पकड़ो मुझे पकड़ो। कोई बीच में नहीं आएगा, अकेला राहुल जाएगा। आपसे एक विनती है, आप इसे जिस तरह से यहाँ लाए हो एकदम सुरक्षा के साथ, बस उसी तरह से इसे वापस अपने घर पहुंचवा दो एकदम सुरक्षा के साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसे पहुंचा दूंगा। हाँ चलो निशा। हम नहीं आएंगे। अरे क्या कह रही हो? वो कह रहे ना हमने आएंगे। आप मत ही आइए, वो ठीक है, चलो निशा। पागल हुए क्या? अरे पागल बंदे, सॉरी। और उस पागल बंदे राजेश्वरी धीरे रखो, भरोसा रखो, सब नमस्ते राजेश्वरी जी। राहुल जाके क्या फायदा, शादी तो कैंसिल हो गई है। अरे कैंसिल कहाँ, सब गड़बड़ हो गई, समझ में नहीं आ रहा युवराज पलट कैसे। क्या मारा है? कहीं हमारी चिट्ठी की वजह से तुम्हें? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? जाइए जाइए, जाके सबके सामने कह दीजिए कि हमने आपकी लाख रुपए की अंगूठी चुराई है, और कह दीजिए हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। पर पंजीब मैं ऐसा क्यों कहूंगा? इतना तमाशा हो रहा है, आप भी कर लीजिए तमाशा। पर आप ऐसा नहीं कहेंगे? नहीं, मुझे मेरी अंगूठी मिल गई इसलिए पैसे लौटाने आया हूं। अंगूठी मिल गई कहां? जिस औरत ने अंगूठी चुराई थी ना, वो मेरे ही दुकान में बेचने चली आई। जैसे ही मैंने उसको पुलिस की धमकी दी तो लीजिए ना। पर ये पैसे हमने तो नहीं दिए। राहुल ने दिए, आप ही ने भिजवाए होंगे। हमें वापस जाना होगा, दीदी जीजा जी सब चिंता कर रहे होंगे। नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो दीदी हमारी शादी युवराज के साथ। निशा अब तक हमने जो भी किया इस तरह किया कि दीदी और जीजा जी की इज्जत पे आंच ना आए। अब घर वापस नहीं गए तो फिर उसने ये नाटक क्यों किया? शायद उसे भी आइडिया नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। वो बस इतना ही चाहता था कि बिना हमारी इज्जत जाए शादी टूट जाए, वरना वो निशा को भगा भी सकता था, युवराज और उसकी मां को सच भी बता सकता था वो। और आज भी बिना सच बताए चुपचाप चला गया। कितना अच्छा लड़का है राहुल, अगर हमारी निशा की शादी उससे हो जाती तो क्या बुरा था, आपने हमें रोका क्यों नहीं? हमने तो खैर, अब ये सब बातों से क्या फायदा, बारात तो युवराज की आई है। हमेशा लक्ष्मी गणेश की आड़ में तुमने वही किया जो तुम्हारी मर्जी थी। अब लक्ष्मी गणेश का नाम लेकर वो करो जो सबके लिए सही हो।
हमेशा खुश रहना। अरे जीते रहो जीते रहो। अच्छा चिट्ठी लिखती रहिएगा आप लोग। दीदी ध्यान से जाना और देख बाहर का ज्यादा मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। कितनी चिंता करती हो तुम। बहन जी हमें आप माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं हम। राहुल कहाँ है? हाँ राहुल वो रहा, सबके लिए चाय ला रहा है। कितना अच्छा बालक है, बहुत अच्छा। चले ये लो, संभालो तुम्हारी अमानत। यार सॉरी, जो कुछ भी हो वो नहीं। यार प्यार और जंग में सब जायज है। मैं गुस्से में था पर सारी जिंदगी मैं गुस्से में नहीं रह सकता ना। वाह क्या बात। मैं नहीं, मम्मी जी कहती हैं। कभी तो तुम भी कुछ कहो। तो निकल, दीदी के कहने पे निशा को एक बार छोड़ा, बार बार नहीं छोड़ सकता। विशाल सक्सेना। हे बड़ी, आर यू डूइंग? अभी अभी आया अमेरिका से इंजीनियरिंग करके। शादी? वहाँ पे नहीं, यहाँ पे किसी के साथ। नहीं नहीं यार, मेरे घर का काम चल रहा है तो रेंट पे कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। दीदी? ना दीदी, अब शादी पक्की है। Let me hear you.